हमारे देश में लोग बहुत आजकल सेकुलरिज्म की बातें कर रहे हैं। ये बातें तभी उछलती हैं जब आप यानी कि जब देश का हिंदू थोड़ा सा अपना स्टैंड लेने लग जाता है अपने ऊपर, तो अपोजिट पार्टी से या तो कुछ ऐसे हिंदुओं से जिनको अपना वोट बैंक बचाना होता है, वो उन हिंदुओं को सेकुलरिज्म की बुद्धि देने लग जाते हैं जिनके खून में ही, जिस धरती की मिट्टी में सेकुलरिज्म है। और वो चाहते हैं कि वो होते हुए आप एक और चश्मा लगाएं और उस नज़र से देखें और सब कुछ ठीक कर लिया जाए, और आप ही कोऑपरेट करें, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करें और आपके ही तरफ से सेकुलरिज्म दिखे और आप ही ठेका लेके रखें। सामने वाला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो जब चाहेगा जो चाहेगा करेगा। तो कुछ चीज़ें मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा और पूछना भी चाहता हूँ, पूछूंगा बाद में, पहले बता दूँ। बताना ये है कि वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू सेकुलर नहीं है, ये तभी क्यों कहते हैं जब वो अपना स्टैंड मान लेते हैं? ये तभी क्यों कहते हैं जब वो कहता है कि जो मुद्दा चल रहा राम मंदिर का, जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो अगर वो कहता है कि जो हमारी मंदिर तोड़ी गई वो हमें वापस चाहिए भाई, और उसी चीज़ के लिए हमने मस्जिद तोड़ दी कि मस्जिद तोड़ के फिर से मंदिर बनाएंगे, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट तो एक अलग ही लेवल पे है भाई। खैर, तो जब हमें मंदिर चाहिए, मतलब हमें हमारे ही देश में हमारा ही मंदिर जो तोड़ दिया गया था हम वो वापस मांगते हैं, तो हम कम्युनल हो गए। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं हमारे सेकुलरिज्म का, शुरुआत से, बिल्कुल बिगिनिंग से कम 1000 साल पहले, जब 1000 साल क्या और पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, जब पोरस के टाइम पे अलेक्जेंडर आया था और उससे भी पहले कुछ फारसी आए थे, तो मित्रता के उस नाम पे, व्यापार के नाम पे वो आए, कुछ समय रहे, रहते रहते उन्होंने देश को लूटने की मन में ठान ली थी। तो उस वक्त के राजा थोड़े समझदार थे, उन्होंने हरा के भगा दिए, ज़्यादा कुछ लूट नहीं पाए, चाहते थे लूटे भी ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आते हैं मुग़ल, वो मुग़ल आते हैं, हमें लगता है कि हम भोले हैं, वो भी भोला होगा, वो आ रहा है हम आने देते हैं, मतलब हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो दिखावे के लिए तो है नहीं, उसको हम अप्लाई करते हैं और हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो वो आता है, रहता है, अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है, अपने हिसाब से हज़ारों की तादाद में मंदिरें तोड़ता है, मस्जिदें बनाता है, हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तलवार की धार पे भी कन्वर्ट करते हैं, और भी कई तरीक़ों से कन्वर्ट करते हैं फोर्सफुली। उसके बाद आज की जो पॉपुलेशन है वो नतीजा है इस बात का, कन्वर्जन का। खैर, तो हम सेकुलर थे, हमने ये सब करने दिया। उसके बाद थोड़ा और सेकुलर हुए, अंग्रेज़ भी आ गए भाई, सेकुलर थे ना हम, एक्सेप्ट कर लिया उनका ना कि एक ने एक तो दबा ही रहा था, तुम भी आके दबा लो, जाते जाते ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर गए। उसका ये नतीजा है कि उन लोगों ने भी सेकुलरिज्म दिखाया और धर्म के नाम पे देश बढ़ गया। हमने जब तीसरी चौथी बार सेकुलरिज्म दिखाया तो एक पाकिस्तान बढ़ गया, एक बांग्लादेश बढ़ गया, वरना था तो पूरा अपना ही ना। जो लोग आज कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं उनको क्या लगता है कश्मीर हवा से टपका है? सब अपना ही था ना, हम ही ने दिया ना पाकिस्तान को वो ज़मीन, तो पाकिस्तान बना, धर्म के नाम पे दिया, तो अकॉर्डिंगली ये भी तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। अब पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमानों की, तो इस्लामिक राष्ट्र है ना वो, बाकी 57 देशों को इस्लामिक राष्ट्र क्यों कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इस्लाम की है ना। तो जब मुसलमानों की मेजॉरिटी है, इस्लामिक राष्ट्र इसलिए कहते हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जब इच्छा थी तो लोगों को क्यों परेशानी थी भाई, बन जाने देते। ये कीड़ा कहाँ से आया सेकुलरिज्म का, ये देश सेकुलर होना चाहिए? एक तो फ्रॉड करके ऐड कराया गया संविधान में, पहली चीज। दूसरी चीज, हम तो जब हिंदू राष्ट्र हमारा, जब तक मुग़ल नहीं आए थे हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, क्योंकि हम मान के चलते थे कि सब कुछ हिंदू 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 राष्ट्र है, ये कोई कॉन्सेप्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम लोग अपने आप में खुश थे। फिर मुग़ल आते हैं हमें सेकुलरिज्म दिखाने के चक्कर में कि चलो ठीक है, अब हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ नहीं होता, अब कोई दूसरा भी आ गया है तो उस कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं। वो चीज़ हम ना कभी थी ना कभी रहने देते।
तो इस बात का मुझे जवाब चाहिए, इस सवाल का भी। अभी जवाब मेन वाला भी नहीं मांगा मैंने, एक बीच में और ऐड कर रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान अगर धर्म के आधार पर बटे थे तो भारत को हिंदू राष्ट्र ना बनाने का, कोई मुझे बेवकूफ़ी भरा सेकुलरिज्म का जवाब नहीं दे, सिर्फ मुझे जेन्युइन फैक्चुअल दे आंसर कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या नुकसान है और नहीं बना तो क्या ऐसा फ़ायदा मिला। उल्टा जब हम लोग, जब मुगल नहीं आए थे तो हम ही लोगों ने सबको एक्सेप्ट किया था ना कि तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, तब तो हमने किसी को मारा काटा नहीं, तब तो हिंदू राष्ट्र ही था ना वो, तब तो नहीं बटा था किसी धर्म और जात में किसी चीज़ में। ये जात वाली जात पात वाली जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं ये भी बहुत पहले की नहीं थी, ये जो 7-8 सालों में जो नीचा दिखाया गया है, ये जो जात में बांटा गया है, ये सिर्फ बांटने के लिए मुगलों ने किया था, ये हमारे धर्म में नहीं था। फिर हम एक बार और सेकुलर होते हैं तो हम थोड़ा सा कश्मीर खो देते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर कुछ लीडर्स हमारे और सेकुलर होते हैं तो कश्मीर में धारा 370 और 35 ए लग जाती है, तो कश्मीरी पंडितों को मर जाने देते हैं और कोई चू तक नहीं करता आज तक। फिर थोड़ा हम और सेकुलर हुए क्योंकि मुसलमानों ने किया है कुछ तो हमको सेकुलरिज्म दिखाना पड़ेगा ताकि हम उनका अपोज ना करें, भाई अपोज कर दिया तो हम कम्युनल हो जाएंगे, इसलिए हम अभी तक सेकुलर ही रहे। उसके बाद हम एक बार और सेकुलर हुए तो बंगाल की हालत ऐसी हो गई, रोहिंग्या मुसलमान आने लग गए, ऐसे ही कई कई जगहों पे हिंदू सेकुलर होता रहा और अपने देश को बढ़ते हुए देखता रहा। आज ये दिन आ गया है, ममता बनर्जी कहती है कि मैं मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती, अगर ये मैसेज बाहर जाएगा तो इस देश की क्या इज्जत रह जाएगी, तो लोग क्या समझेंगे, इतनी बड़ी दुनिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में जो इतने करोड़ों लोग चुन के भेज रहे हैं उस आदमी को, उसको वहीं वहीं के सीएम उसको अपना पीएम नहीं समझते। तो कमज़ोर करने की जो प्रथा चलती आ रही है ये विरोधियों की अपोजिशन की, राहुल गांधी जाते हैं तो देश की और बेइज्जती करा के आते हैं, दिग्विजय सिंह जाते हैं तो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद से खतरा है भाई, आरएसएस से खतरा है, किताब निकलती है। तो जब आप ओवर सेकुलरिज्म एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए दिखाते हैं तो देश बटता है धर्म के नाम पे, और अगर देश बटता है दंगे होते हैं तो जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब चाहिए मुझे। कोई चाहे तो अपने जितने भी तर्क देना चाहे दे सकता है, जवाब तो चाहिए। और अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जवाब मुझे इन सब बातों का इसलिए चाहिए कि देश से आगे, मतलब एक बात बता रहा हूँ, कल को क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश है गज़वाए हिंद की, उस पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएगा यूट्यूब पर, बहुत सारा मैं क्या बताऊँ, कभी फुर्सत में बैठूँगा तो एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की। तो अगर ये देश ही नहीं बचा, मेजॉरिटी तो छोड़ो, अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी से जीरो भी हो गई, भागना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, कश्मीर में हालत देख लो, थे ना वहाँ पे लोग, क्यों नहीं सेकुलरिज्म दिखा के चला लिया भाई, क्यों अचानक से लाखों की तादाद में कश्मीरी चले गए और माइनॉरिटी वहाँ की 70% मेजॉरिटी बन के रह गई और तब भी उनको माइनॉरिटी कमीशन का बेनिफिट उठाना। तो जवाब तो देना पड़ेगा फिर, अगर किसी को सेकुलरिज्म का चद्दर ओढ़ के बैठना है तो एक दिन हो सकता है, एक दिन आपके ही शहर में वो हालत आ जाए कि आप पछताएं कि इस शब्द के चक्कर में क्या से क्या हो गया, और तब कोई फ़ायदा नहीं रहेगा क्योंकि फिर देश ही नहीं बचेगा, तो आपका ये जो चश्मा है वो आप पहन के अंधों की तरह घूमते रहिएगा।